प्रधानमंत्री जी ने कहा है जय बजरंग बली कहो और मतदान करो, तो मैं मेरे जितने सारे वहाँ मराठी भाषिक जो भी आपके ऊपर अत्याचार करने वाले हैं उनको पराभूत। शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि उनके पिता बाल ठाकरे को धर्म के नाम पर वोट मांगने के कारण मताधिकार से वंचित कर दिया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक में वोट मांगने के लिए जय बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं और उनके साथ कुछ भी नहीं किया जा रहा है। उद्धव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा कि हो सकता है चुनाव आयोग के प्रावधान अब बदल दिए गए हों। ये सीधा तंज उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कर्नाटक के लोगों से अपील की थी कि कांग्रेस को दंडित करने के लिए वो अपना वोट डालते समय जय बजरंग बली बोलें। भाजपा नेताओं ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादे को लेकर विपक्षी दल पर हमला तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के बाद अब उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधते दिख रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा है उद्धव ठाकरे ने। प्रधानमंत्री जी ने कहा है जय बजरंग बली कहो और मतदान करो, तो शायद उस कानून में कुछ बदलाव आया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर जय बजरंग बली तो हमारा ही है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल या बजरंग बली का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी, जनता की हित की बात होनी चाहिए थी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री ऐसे कहते कि जय बजरंग बली कहकर आप मतदान करिए, तो मैं मेरे जितने सारे वहां मराठी भाषिक माताएं हैं भाई हैं उनको सबको कहता हूं कि आप जय भवानी जय शिवाजी कहकर जो भी आपके ऊपर अत्याचार करने वाले हैं उनको पराभूत करें। आपको बता दें कि बाल ठाकरे को 90 के दशक के अंत में एक सार्वजनिक रैली में धर्म के नाम पर वोट मांगकर भ्रष्ट आचरण में लिप्त पाए जाने के कारण 6 साल के लिए मताधिकार का प्रयोग करने से रोक दिया गया था। उद्धव ने यह कहा कि अगर मोदी जय बजरंग बली कह रहे हैं तो मैं कर्नाटक में मराठी भाषी लोगों से जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगाने और वोट देने की अपील कर रहा हूं। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र से शुरू हुआ ये विवाद अब देश भर में दिखाई पड़ रहा है। उधर मध्य प्रदेश में भी नरोत्तम मिश्रा कमलनाथ पर हमलावर हैं और छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल ने इस पर बड़ा बयान दिया है। देश के हर हिस्से में इस बयान पर सियासत जारी है। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने यह बयान देकर इसे और भी हवा दे दी है। वीडियो डेस्क amarujala.com।